नमस्कार जी, किवें तुसी सारे? और सेहता ठीक है जी? घर च वड्डे बजुर्ग किवें है? नमस्ते है जी सब नू, मेरी सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। और पंजाबी मास्टर कैडर की तैयारी चल रही ना जी अपनी? और अज आपां जिस कवि बारे गल करनी है जी, मेरे फेवरेट आपां कह सकते हैं, ठीक है ना, पसंदीदा कविया चो अगर नंबर एक पर मैं किसका नाम लेना चाहा तो वो है जी पाश, अवतार सिंह संधू उर्फ पाश। हुण अवतार सिंह अवतार तो पाश किवें होया है जी? या तो वह पाशा तो पाश होया या फिर प्रवेश तो पाश होया, है ना? ये पेपर च नहीं आना, इस करके ये पर गल नहीं करनी आपां, ठीक है? हाँ, जे कोई ज्यादा डूंगी जानकारी चाहता फिर कमेंट च लिखो, फिर गल करेंगे ये उपर, ठीक है, कि वह पाशा तो पाश होया या प्रवेश तो। अवतार सिंह है जी तलवंडी सलेम, जिला जलंधर विच इन्हों का जन्म होया 9 सितंबर 1950। और ये व्यक्ति 23 मार्च 1988 नूं ट्यूबवैल के उपर अपने दोस्त हंस राज नाल नहांदा होया खाड़कुआं वालों गोली का शिकार हो जाता, उत्थे मारिया जाता है जी ये, ठीक है। तकरीबन 37 साल की उम्र, शिव मांगू पर जवानी चो सातों जो है वो विदा ले गया है जी पाश। अज आपां गल करनी है पाश दे उपर, और मैनू पूरी उम्मीद है कि अज दी वीडियो देखने के बाद थोनू एक हल दा जरूर आएगा, ठीक है। चलो इहदा स्क्रीनशॉट ले लो जी, तुसी स्क्रीनशॉट लेण तो बाद जो है आपां गल अगे करदे हां। रुको मैं राजा नूं ठीक भी कर लवां। चलो, 9 सितंबर 1950 पिंड तलवंडी सलेम जलंधर, 23 मार्च 1988 को यह जो है वो ट्यूबवैल पर नहाता हुआ अपने दोस्त हंसराज समेत, खाड़कोवाद लहर है जी उस वक्त पंजाब, सबनों पता है, टाइम पीरियड देख लो जी, ठीक है, किस दिन ब्लू स्टार पर भी गल कर लेंगे। और अवतार सिंह संधू जो है वह पंजाबी साहित्य के 70-80 के दहाके दे विच जो नक्सलवादी धारा तो प्रभावित होकर एक जुझारवादी प्रवृत्ति की कविता लिखनी शुरू हुई वह मोढ़ी है। 1970 पहला काव्य संग्रह लोक कथा, ठीक है, हुण मैं एक शब्द यूज कर रहा नक्सलवाड़ी या जुझारवादी, है ना, ये नाल ही लगता कॉन्सैप्ट है। असल च मजदूर या शोषित वर्ग के हकों के हकों लिए आवाज चक्कर वास्ते बंगाल के एक पिंड में एक लहर चली है जी, ठीक है। उसी लहर ने पंजाब भी प्रभावित करे, साढ़े कवियों प्रभावित करे, जिस पाश की अब आप गल कर रहे हैं। मजदूर और वह वर्ग जिहदा शोषण हो रहा है ना जी, आप कुछ यदि कविताएं पढ़ेंगे तो यह गल क्लीयर हो जूगी। मौजूदा निजाम तो नाखुश कवि पाश, 1970 पाश की कविता काव्य संग्रह लोक कथा, 1974 च उड़दे बाजा मगर, 1978 साढ़े समया विच जूंदे जू 3 पुस्तक प्रकाशित हुई हैं जी। सीधी जी गल है, मौत तो उपरंत 88 विच मर गया ना, इन्हों के एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं अमरजीत चंदन, सर ने 89 च पाश दिया कुछ कवितावान इकट्ठा करते हुए क्या करे, खिलरे हुए वर्के जो है वो प्रकाशित करवा दी, ठीक है। एक पाश दी ट्रस्ट, पाश दे याद में एक ट्रस्ट बनी हुई है जी, उन्हें पाश दी डायरी चिट्ठियां इन्हों इकट्ठा करके भी प्रकाशित करवाया है जी। हुण एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पाश ने अपने जीवन काल के बहुत सारी पत्रिकावां कढ़ियां है जी, उस सियाड़ का नाम सब तो उपर है, सियाड़, ठीक है, हेमज्योति, NT47 हॉक, गूगल सर्च कर लेने केड़े केड़े, हेमज्योति, NT47 हॉक और सियाड़, पाश के नाम नाल जानियां है, टिक कर देना। सारी जिंदगी जो है यह व्यक्ति सच बोलता रहा, और सच बोलण वाले ज़्यादा समय जीते नहीं होंगे, तुहानू पता ही है। मौजूदा निजाम नूं सीधे शब्दों विच खरिया खरिया सुनाण वाला किवें लंबे टाइम जी सकता है, यही होंगे ना, सच बोलने वाले की जिंदगी नहीं ज़्यादा होंगी, ज़्यादा जिंदगी किहदी होंदी है जो मौके अनुसार बदल जाए, है ना, जिथे लोड़ है उत्थे झूठी बोले, जिथे लोड़ है उत्थे गोल मार दे, गल्ला करे पाश होना तो नहीं। इस करके बहुत छोटी उम्र जो है वह सत्त नूं छड्ड के चला गया पाश। पाश जो
शब्द है फारसी का शब्द है छिड़कना या फैलाना इहदा अर्थ है जी। ठीक है 1985 च पंजाब साहित्य अकैडमी ने पाश नूं फैलोशिप भी दित्ती एक साल की। ठीक है ना पाश की पत्नी या इहदी बेटी ट्विंकल दे उपर कभी कोई क्वेश्चन ना आया ना आएगा। संतान हमेशा गुरु साहिबान की पुछी जाती पेपर च होर किसी की नहीं पुछी जानी। ठीक है चलो हुण पाश नूं समझाने वास्ते मैनू लगता है कि तुहानूं इहदियां कवितावां दियां लाइनां जो है वह सुनानियां चाहीदियां। लोक कथा है जी उड़दे बाजां मगर साढ़े समयां विच उड़दे बाज चुंझां च लै के साडे साडी चैन दा इक पल बिता सकण दी ख्वाहिश। दोस्तों हुण चलिया जावे उड़दियां बाज जिंदगी जे कविता जही हुंदी जिहड़ी जिंदगी है ना कहिंदा जे कविता हुंदी तां असीं खामोश ही रहिंदे संघर्ष ना हुंदा उहदे विच फिर तां असीं बोलदे ही ना है ना। चांदनी जे ओढ़ी जा सकदी असीं सिउं के पा लैंदे पाशे मेरे तो आस ना करियो मैं खेतां दा पुत होके तुहाडे चगले होए स्वादां दी गल करांगा पाशे मेरे तो आस ना करियो मैं खेतां दा पुत होके तुहाडे चगले होए स्वादां दी गल करांगा जिन्हां दे हड़ च रुड़ जांदी है साडे बच्चियां दी तोतली कविता ते साडियां धीआं दा कंजक हासा। कंजकां हुंदियां ना धीआं कंजक हासा इनकार कविता है उहदे विचों इह सत्रां और आओ इंडिया कुछ कवितावां दे नाम देख लिए। भारत संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस कविता इस किताब के उपर भी सीधा कटाक्ष है पाश का पढ़ लियो। ठीक है असी लड़ांगे साथी ये बहुत ही बेहतरीन कविता है। ठीक है ना जी असी लड़ांगे साथी उदास मौसम लई असी लड़ांगे साथी गुलाम सदरां लई सोने दी सवेर जद आऊ हाणिया नचेगा अंबर भूमि गाऊ हाणिया। और मजदूर वर्ग किसान वर्ग के हक विच होका दिंदा है पाश सब तो खतरनाक ये तो बहुत ही बेहतरीन है पोएम यदी एनसीईआरटी की किताब सिलेबस लगी हुई थोड़ा चेता भी होना बड़े ही अखबारों में भी यह गल आई और न्यूज़ चैनल्स भी आई है। ठीक है मैं थोड़ी मेरी लाइन सुनानी है किरत की लुट सब तो खतरनाक नहीं होंगी पुलिस की कुट सब तो खतरनाक नहीं होंगी बैठे बिठाए फड़े जाना बुरा तो है सब तो खतरनाक नहीं हुंदा सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल भर जाना सब तो खतरनाक हुंदा है तुहाडे सुपनिया दा मर जाना सब तो खतरनाक कविता पाश दी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है तुसी सुन सकते हैं। ठीक है समा कोई कुत्ता नहीं मैं हुण विदा हुंदा हाँ मेरी दोस्त मैं एक कविता लिखनी चाहिए थी इहदे विच किते किते रोमांसवादी अंश मिलदा है जी पाश दा तुहानूं पर सारा नहीं। ठीक है अज दा दिन बहुत ही बेहतरीन पोएम है अज दा दिन मैं तुहानूं इहदियां लाइनां सारियां पढ़ के भी सुणाउंगी लास्ट च इस पोएम नाल ही अंत करांगे आपां। चिड़िया दा चंबा और ठन्नी लोकता दा ही अंश है जी इहदे विच साडे कोल इक लोकगीत है साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबल असां उड जाणा पाश कहिंदा चिड़िया का चंबा उड के किते नहीं जाएगा चिड़िया का चंबा इत्थी किते उरे परे डौलां तो घा खोतेगा रियलिटी पेश करता है। ठीक है ना जी साडे समयां विच मैनू आ लगदा है कि जे तुसी पंजाब दे वासी है ना और जे तुसी पाश नहीं पढ़िया तुसी शिव नहीं पढ़िया तुसी गुरदयाल सिंह नहीं पढ़िया तुसी अमृता नहीं पढ़ी तो मैनू लगदा फिर मैनू थोड़ा जिहा तुहाडे तों जो है वो कंप्लेंट है। ठीक है ना जी हाँ इस करके पाश नूं जरूर पढ़ो सारा कुछ अवेलेबल है जी तीन तो किताबा है तो उत्तों उही नहीं लईआं जांदीआं मशूकां नूं खत लिखण वालिओ जे तुहाडी कलम की नोक बांझ है तो कागजा का गर्भपात ना करो पाश है। मैं क्या कुछ सुना दूंगा तुहानूं पाश का मैनू तो समझ नहीं आती। चलो मैं तुहानूं एक लाइन सुनानी है दो लाइन ही सुनाऊंगी बाकी तुहाडे उपर है। मेरे मूँह विच तुन दिओ यमले दी तुंदी मेरी पिठ ते लद दिओ वाज पई दा बोझल पिंडा अगली लाइन तुसी आप गूगल सर्च कर लेनी है। ठीक है चलो जी अज का दिन पढ़ते हैं आपां अज का दिन लगता है यह सवेर नहीं
ਮੌਤ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਆਠਰੀ ਹੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਸੁੱਜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨੂ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਣੀ ਚੋਗ ਗਿਆ। ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੱਜਿਆ ਬੀਬਾ ਬਲਦ ਜਿਸਦਾ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਟੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਂਗ ਰੰਡੀ ਰਤਨੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਤਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਸਪਾਟ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਦ ਇਹਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤੜਪ ਦਾ ਮੈਂਟਾਫਰ ਹੋਰ ਨਿਬੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਸਿਆਲ ਹੇਮ ਜੋਤੀ NT47 ਹੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ PPSC ਵਾਲਾ ਇਗਜ਼ਾਮ, PCS ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਚੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਡਰੀਮ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਰਫ ਪਾਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂਗਲ ਪਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ।